जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से शेयर की जा रही है। दोस्तों बताएंगे आपको रामेश्वर जी से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी शेयर की है। साथ साथ दोस्तों बीते महीने जिस महंगाई से परेशान थे रामेश्वर, उसको लेकर सरकारी आंकड़े भी सामने आए हैं। बताएंगे किस तरीके का आंकड़ा है दोस्तों, और बीजेपी के वोटरों को कांग्रेस पार्टी के नेता ने राक्षस प्रवृत्ति का बता दिया, जिसके बाद भाजपा के लोग माफी की मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़े गड़बड़ झाले का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में महाकाल के दरबार में पहुंचे कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, 50% कमीशन वाली सरकार को हटाने की मांग की है। साथ साथ ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी के मामले पर ओवैसी की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है दोस्तों, और बताएंगे मध्य प्रदेश को लेकर और भी कई सारी जानकारी। इसी के साथ में पटना एम्स के बाद अब दरभंगा एम्स को लेकर प्रधानमंत्री के दावे को झूठा बताते हुए विपक्ष जहां पर एक और निशाना साध रहा है, तो दूसरी ओर अब नीतीश कुमार की ओर से भी टिप्पणी की गई है। बताएंगे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी लगातार एक जन नेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले दिल्ली के आजादपुर मंडी के अंदर सब्जी बेचने वाले रामेश्वर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और पालन पोषण नहीं हो पा रहा इस तरीके के शब्द कहे थे, और उसके बाद उनके आंखों में आंसू भी देखने को मिले थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो काफी शेयर किया गया था, राहुल गांधी ने भी उस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों का दर्द मोदी सरकार के सामने रखा था। और इसके बाद अब कई दिनों के बाद रामेश्वर जी एक बार फिर से दिखाई दिए, मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद राहुल गांधी को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने रामेश्वर जी को अपने घर पर बुलाया और उनके साथ खाना खाते हुए उनसे बातचीत की है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओर से दो तस्वीरें शेयर की गई है, जिसमें एक तस्वीर के अंदर राहुल गांधी खाना खाते हुए रामेश्वर जी से कुछ बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर रामेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि रामेश्वर जी ने जननायक से मिलने की ख्वाहिश जताई थी, मुलाकात हो गई है। आपको बता दें कि जुलाई महीने के अंदर जिस तरीके की महंगाई थी दोस्तों, उसे लेकर अब आंकड़ा भी जारी किया गया है, यानी रामेश्वर जी जिस समय टमाटर के बढ़े दामों को लेकर अपनी बातें कह रहे थे, उस समय महंगाई दर 7.44% थी, यानी सरकारी आंकड़े के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 15 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड महंगाई बीते महीने जुलाई के अंदर था, और इस महीने का आंकड़ा अगले महीने जारी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों महंगाई दर लगातार बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं लोगों को लगातार परेशान कर रहा है, और रामेश्वर जी जैसे कई सारे लोग हैं जो देश के अंदर महंगाई के कारण पूरी तरीके से त्रस्त हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के बड़े घोटाले का सीएजी ने किया खुलासा, भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा, द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों का अनुचित लाभ, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से लिंक पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में खर्च, टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI ने वसूले 154 करोड़, HAL में विमान प्रोडक्शन में गंभीर खामी 159 करोड़ बर्बाद। ये सारी खामियां सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है, यानी मोदी सरकार पर घोटाले के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने ये जानकारियां दी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे, अखिलेश यादव ने भोगांव के अंदर राम शरण के ताऊ की प्रतिमा का अनावरण किया, इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर अपने निशाने पर लिया। राम शरण भोगांव विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी बुनियादी सवालों को उठा रही है, आज भी बिजली का संकट उतना ही है जो व्यवस्था बिजली की समाजवादी पार्टी सरकार ने की थी, बीजेपी ने बल्कि उसको खराब ही कर दिया है, जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही है, लोगों की जाने जा रही है। साथ साथ दोस्तों रणदीप सुरजेवाला बोले, कहा बीजेपी को वोट देने वाले लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला से माफी की मांग करते हुए बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रही है, इस तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 21 मई 2023 को यात्रियों का पहला ग्रुप राजधानी भोपाल से प्रयागराज गया, जिसमें 32 लोग शामिल थे। 32 लोगों की लिस्ट की छानबीन की गई तो पता चला, दैनिक भास्कर ने यह डिटेल में जानकारी दी है कि यात्रियों में बीजेपी के नेता के कुछ रिश्तेदार शामिल है, 8 यात्री सीधे बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं। ज्यादातर यात्रियों ने कबूल किया है कि उनका नाम लिस्ट में किसी बीजेपी नेता के कहने पर शामिल किया गया। इसके अलावा 32 में से 2 नंबर तमिलनाडु महाराष्ट्र के निकले हैं। इन लोगों ने कहा कि ना हम यात्रा में गए और ना ही कभी मध्य प्रदेश आए हैं। यात्रा में गए ब्रज मोहन पचौरी नाम के यात्री ने खुद को बीजेपी के भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी का चाचा बताया है। प्लेन से तीर्थ यात्रा का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 23 फरवरी
2023 को उज्जैन के महितपुर में एक कार्यक्रम में किया था। उन्होंने मंच से कहा था कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, इस बार अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा बल्कि हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने की थी। और इसके बाद अब ये जो खुलासा हुआ है दोस्तों, दैनिक भास्कर के खोजी पत्रकारिता की वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार फंस गई है दोस्तों। कई सारे मामले को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब तीर्थ यात्रा की स्कीम में भी इस तरीके का गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। वहीं पर महाकाल के दरबार में पहुंचे कमलनाथ ने अर्जी लगाते हुए मध्य प्रदेश को 50% कमीशन से मुक्ति दिलाए, इस तरीके की अर्जी लगाई है। बीजेपी बोली, कहा मंदिर में सियासत निंदनीय है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल के दरबार में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और प्रदेश को करप्शन से मुक्त करने की कामना की है। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी पर 41 FIR दर्ज कराए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के सरकारी बंगले की खिड़की के शीशे टूटे पाए गए, पुलिस ने मौके पर पड़ताल की, CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पथराव जैसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। 2014 के बाद ऐसी चौथी घटना है जब ओवैसी के घर के शीशे टूटे मिले हैं। अब दिल्ली पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इसमें कोई सत्यता है या फिर कोई साजिश है। फिलहाल ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि घटना किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ होती तो आसमान सिर पर उठा लिया जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना के बहाने मुस्लिम कार्ड भी खेला है। उनका कहना है कि एक तरफ मुसलमानों के घर को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक सांसद के घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसका असर देश पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ओवैसी की इस बात पर आपकी क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनकी ओर से जगह जगह रैलियां की जा रही है और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके के अंदर वो कई सारी सभाएं कर रहे हैं, युवाओं को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चंबल का एरिया है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े नेता की जरूरत थी जिसकी भरपाई करते हुए जयवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं। जयवर्धन सिंह जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2023 के चुनाव के अंदर कुछ बड़े बदलाव चंबल के इलाके में देखने को मिल सका है। साथ दोस्तों, नीतीश कुमार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी सरकार के दौरान जहां जहां एम्स बनाए गए हैं उसकी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। और इस दौरान बिहार के दरभंगा के अंदर भी एम्स बनाने का दावा प्रधानमंत्री के बयानों में नजर आया है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 2015 में हमने कहा कि एम्स तो पटना में बना हुआ है, दूसरा बनाना है तो दरभंगा में बनाए। हमने DMCH को ही एम्स बनाने को कहा पहले, इसके लिए तैयार हुए, बाद में मना कर दिया गया। दरभंगा में एम्स जहां बनने वाला था, अब पता नहीं क्या हो गया कि वहां बनाने से मना कर दिया। अगर एम्स बनाना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो करना है करिए, अब हम DMCH को ही विस्तार करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, इस मामले पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव के कारण लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। केंद्र सरकार की ओर से पहले मंजूरी दी गई, फिर बाद में मना कर दिया गया, यानी बिहार सरकार एक बड़ा सा इलाका एम्स बनाने के लिए केंद्र सरकार को दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार किसी और इलाके के अंदर एम्स बनाना चाहती है। कुल मिलाकर दोस्तों, इसी बात पर दोनों सरकारों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दावा कि दरभंगा में भी एम्स बना है कहीं ना कहीं एक फेक दावा है और नीतीश कुमार ने इसी फेक दावे की पोल खोली है। साथ साथ दोस्तों, पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्यों में से एक असम में इन दिनों मुस्लिम नेताओं के साथ साथ कई और पार्टी के नेताओं के बीच में काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों, असम के अंदर कुल 14 लोकसभा सीटों के अलावा 126 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन मसौदे को अंतिम रूप देते ही इसे लेकर अब भारी विरोध शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह 1976 के बाद हो रहे परिसीमन की प्रक्रिया को खत्म किया गया है। आरोप है कि परिसीमन के अंतिम मसौदे में कुछ लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में कटौती की गई है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों को तो समाप्त ही कर दिया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कई विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस पर भी कुछ नेताओं को ऐतराज है। परिसीमन के अंतिम मसौदे के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में इजाफा किया गया है। ये सीटें 19 कर दी गई है जो पहले 16 हुआ करती थी। इसी तरीके से 5 विधानसभा क्षेत्र जहां से अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक चुने जाते थे, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। एक और चीज जो परिसीमन में सामने आई है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में इजाफा किया गया है। अनुसूचित जाति की सीटें 8 हो गई है, यानी अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं उनकी सीटों में 3 सीटों का इजाफा हुआ है, जबकि ST रिजर्व सीटें भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों को एक अलग तरीके से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। परिसीमन को लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि असम के 33 जिलों में से 9 जिलों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से अधिक है। ये जिले बरपेटा, धुबरी, करीमगंज और गोलपाड़ा, नागांव, बोंगई गांव और इस तरीके के पूरे जिले हैं। इनको अलग तरीके से विभाजित करने का आरोप
लगा है। देखते हैं इस पर पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से क्या रिस्पांस किया जाता है, क्या एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ साथ स्पेशल 26 से ममता प्रधानमंत्री की पहली उम्मीदवार बनेंगी इंडिया वाले, इसे कैसे निकलेंगे बीजेपी के नेता। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इंडिया गठबंधन से सवाल पूछ रहे थे। साथ साथ दोस्तों शरद पवार और बागी भतीजे अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग का खुल गया राज। संजय राउत ने बताया है पूरा प्लान। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपना रुख साफ कर देंगे। हो सकता है कि शरद पवार ने अजीत पवार को महाविकास अघाड़ी में वापस लाने के लिए कहा हो, क्योंकि ऐसा वो 2019 में कर चुके हैं। अब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कुछ भी राजनीति में हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीक्रेट मीटिंग को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने अजीत को 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए कहा है, इसीलिए सीक्रेट बैठक हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों एनसीपी के दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत चल रही है उस पर अलग अलग तरीके के दावे आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय।